हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के पहले चैनल स्टडी विद यूनिक पर। बच्चों इस लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री के मैथ्स के एमएसटी सीटी के 2022 के जितने भी हमारे क्वेश्चंस आए हुए हैं ठीक है आज तक 21, 22 और 23। हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के पहले चैनल स्टडी विद यूनिक पर। बच्चों इस लेक्चर में हम एमएसटी सीटी के 2022 में मैथ्स के जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्री 2 के क्वेश्चंस आए हैं सारे कवर करेंगे। टोटल 13 क्वेश्चंस आए हुए हैं 2022 के, 21 और 23 के मैंने ऑलरेडी लिए हुए हैं ठीक है। अब इसके बाद मैं डायरेक्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चालू करूंगा और ये जो आने वाला हफ्ता है ठीक है इसमें मैं कम से कम आपके 6 से 7 चैप्टर जो आपके 12th स्टैंडर्ड से रिलेटेड है वो खत्म कर दूंगा, क्योंकि अब मैं बहुत ही फ्री हो चुका हूँ, रिलैक्स हो चुका हूँ, जिस कारण से मैं लेक्चर की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा। एक दिन में 2 से 3 लेक्चर आने की संभावना है ठीक है। तो अब टेलीग्राम में भी मैंने अब तक पीडीएफ डाले नहीं है, वो भी आपको मिल जाएंगे ठीक है। तो ऐसा मत कीजिए कि टेलीग्राम को कुछ बच्चे छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है आपको, आप वहां रहना है ठीक है। बाद में छोड़िए, आपका काम होने के बाद पूरा आने दीजिए कंटेंट ठीक है, क्योंकि सारा कंटेंट आएगा, इतने क्वेश्चन कोई नहीं करा रहा यूट्यूब पे, ये मेरी गारंटी है ठीक है। और इतना डिटेल में मैं आपको बता भी रहा हूँ, पहले एक बेसिक लेक्चर लेता हूँ जिसमें पूरा डिटेल्स आपको हर चैप्टर की जितने भी बेसिक से बेसिक हो सकता है उतना मिल रहा है। उसके बाद आपको पीवाईक्यूज हर चैप्टर के 30 से 25 या हो सके तो 50 भी कराऊंगा ठीक है। पहले हम चैप्टर पूरे खत्म करेंगे, उसके बाद मैं आपको एक 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 लेक्चर जो हार्ड होता है ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे जो जेई एडवांस में भी आ चुके हैं सीटी के ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो आज हम एमएसटी सीटी 2022 में जितने भी क्वेश्चन आए वो कवर करेंगे, आधे घंटे से 45 मिनट का लेक्चर हो सकता है ठीक है। चलिए तो पहला देखिए क्वेश्चन, लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ अल्फा विद ईच ऑफ द एक्स एंड वाई एक्सिस, मतलब एक्स और वाई एक्सिस के साथ एक लाइन अल्फा एंगल बना दिए ठीक है, एंड उसका एंगल थीटा है विच इट मेक्स विद द जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ ठीक है। तो एक्स और वाई के साथ तो अल्फा है लेकिन जेड के साथ थीटा है ठीक है, सच दैट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 sin² अल्फा ठीक है। तो हमें पूछा क्या है सर, बेटा आपको पूछा गया कि अल्फा कितना है ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फिर अल्फा की खोज ठीक है, कुछ ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ठीक है, आराम से आ जाएगा आपको ठीक है। हाँ देखिए कैसा करना है, सबसे पहले आप जानते हो कि जैसे ही ये बोला जाए तो L² + M² + N² = 1, ये आपने सीखा है बच्चा डायरेक्शन कोसाइन का जो स्क्वायर होता है उसकी जो एडिशन होती है वो 1 होती है, ये आपने कब सीखा था वेक्टर्स में ठीक है। एल क्या होता है बेटा कॉस स्क्वायर अल्फा, एम क्या होता है बेटा कॉस स्क्वायर बीटा, और एन क्या होता है बेटा कॉस स्क्वायर गामा ठीक है। याद रखिए यहाँ थीटा यूज किया गया है फॉर जेड एक्सिस, यानी गामा की जगह क्या आ जाएगा बेटा थीटा, क्योंकि एन हमारा जो होता था वो किसके लिए यूज होता था जेड एक्सिस के लिए, और इसके लिए तो दोनों के लिए अल्फा है, तो यहाँ भी अल्फा और यहाँ भी अल्फा ठीक है। एल स्क्वायर एम स्क्वायर यानी एल किसके लिए था एक्स एक्सिस के लिए, और ये जो हमारा एम किसके लिए वाई एक्सिस के लिए, तो ये दोनों ठीक है, इस तरीके से कुछ हो जाएगा। याद देखिए 2 cos² α + cos² θ = 1 कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये तो आप समझ पा रहे हो ना, इसकी एडिशन होगी क्योंकि दोनों का एंगल सेम है, एक्स और वाई के साथ एंगल सेम बना रहा है वो, क्लियर ठीक है। अब आगे सर यहाँ तो ये तो दूर दूर तक आ नहीं रहा बेटा, बहुत ही प्यारा रिश्ता है इन दोनों के बीच में साइन और कॉस के बीच में, sin² θ + cos² θ = 1, ये बहुत ही प्यारा और अच्छा रिश्ता है ठीक है, पवित्र है ये रिश्ता, 9th से सीखते आ रहे हैं, 9th में ही आइडेंटिटी दी हुई है इन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ठीक है। वो अलग बात है कि हम इस मेथड से ना करते हुए ट्रायंगल वाले मेथड से करते हैं ठीक है। चलिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो चैप्टर आएगा ना बच्चा, उसमें बहुत सी जगह हम ट्रायंगल का यूज करेंगे, वो मैं आपको पीवाईक्यूज में बताऊंगा, और उसके बहुत ही जबरदस्त पीवाईक्यूज है ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन तो एडवांस में आए हुए जेडब्ल्यू, एक क्वेश्चन था जेडब्ल्यू एडवांस 2015 में मैंने खुद देखा हो, तो आपको अच्छे से वो जरूर प्रिपेयर करना है ठीक है। ये करो ट्रिग्नोमेट्री फिर वो आराम से आ जाएगा, अगर ये नहीं आता ना तो वो तो भूल जाओ ठीक है। चलिए बहुत होगी बोल बच्चन, इसे लिखो आप 2 (1 - sin² α) वैल्यू बना सकते ना cos² θ की, 1 - sin² θ तो ये अल्फा था तो अल्फा प्लस 1 - sin² θ = 1 ठीक है। चलिए अब इसे सॉल्व करते आगे, तो आगे क्या हो जाएगा देखो, ये 2 यहां मल्टीप्लाई जब 2 + 1 = 3 हो जाएगा डायरेक्टली ठीक है, यहां 3 देखो ये 2 और ये 1 = 3 हो जाएगा ठीक है, ये -sin² α ऐसे का ऐसा ठीक है, और यहाँ देखो प्लस ये तो माइनस ही बोलना तो -sin² θ ही रहेगा ठीक है = 1 क्लियर। चलिए अब आगे देखिए यहाँ भी 2 आ जाएगा ठीक है, यहाँ भी 2 ना भूलना बच्चा ठीक है, यहाँ भी 2 होना चाहिए ठीक है, क्योंकि देखो ये
यहाँ जो है ना ये टू यहाँ भी मल्टीप्लाई करेगा, इसके साथ भी करेगा, ठीक है। देखो टू साइन स्क्वायर अल्फा क्या बच्चा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए तो यहाँ क्या हो गया, ये थ्री उधर चले गया तो हो गया माइनस टू, ये माइनस टू हो गया, ये थ्री उधर चले गया, यहाँ क्या हो गया आपका टू साइन स्क्वायर अल्फा क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। देखो गिवन में यहाँ से मैंने इसको चिपका दिया, ठीक है, क्या इसका कलर बदलू मैं, चलो ठीक है अब दिख रहा है। चलिए इनका पवित्र रिश्ता देखिए कितना अच्छा, डायरेक्टली वो आ गया उसकी जगह, वो आ गया, ठीक है। तो ये देखो ये माइनस तो ये माइनस, ठीक है, और ये भी माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, जिस कारण से दोनों का मिलके क्या हो गया माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस टू, माइनस माइनस कैंसिल, टू टू कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चा वन, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ क्या हो गया साइन आपका साइन थीटा क्या हो गया, सो अब जब इसका रूट निकालोगे तो प्लस माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो ये जो साइन थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव वन होता है वो होता है पाई बाय टू पे, ठीक है, और जो साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस वन होता है वो होता है माइनस पाई बाय टू पे, ठीक है। तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, ये, क्योंकि ये ऑप्शन में है नहीं, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बच्चा। तो ऑप्शन सी आपका ऑप्शन है, ठीक है, ऐसे ही बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, सिर्फ आपको थोड़ा सा सोचना इधर उधर से। देखो सीटी में कभी भी एक क्वेश्चन जब जो भी रहेगा उसमें सिर्फ एक चैप्टर यूज नहीं होगा, कभी कभी ऐसे एक दो चैप्टर्स का भी नॉलेज कंबाइन करके आपको पूछा जाएगा, तो आपको समझना चाहिए, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, वन टू एंड थ्री हो गया, ठीक है, नोट कर लो एक बार और, पहले मैं देख लू आपको अच्छे से दिख रहा है या नहीं, क्योंकि कल से मेरा कैमरा थोड़ा सा इशू दे रहा है, ठीक है हो गया। चलिए साथ में आज का हमने मेरा ऑप्शन कर दिया, तो देखिए बच्चा इफ कॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो देन ए प्लस टू बी इज इक्वल टू, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ देखिए cot a plus b is equal to 0 दिया गया है, ठीक है, यहाँ क्या कर सकते हैं देखो cot a plus b is equal to 0, आप ऑप्शन को एक बार देख लेना, ऑप्शन में कुछ a plus b वाला मैटर है क्या, नहीं, ऑप्शन में तो हमें सिंगल बोला गया, ठीक है, इसका मतलब उसमें से a ही बचना चाहिए, b खत्म होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ आप अगर सोचोगे ना तो आपको बहुत सारे फॉर्मूला, यहाँ पहले cos upon sin लिखने की कोशिश करोगे, फिर कुछ वैल्यू वगैरह बनाओगे, तो वो बहुत लंबा प्रोसेस है, ठीक है। अब मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ वो देखना, ठीक है। यहाँ क्या कर लोगे आप, यहाँ डायरेक्टली आप cot को उधर लेके जाओगे, तो a प्लस बी इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ जीरो। अब cot जीरो कब आता है, cot जीरो आता कब है बेटा ये बताओ मुझे, पहली बात आप सोचो तब तक मैं लिख लेता हूँ, cot इनवर्स ऑफ जीरो कब आता है, cot जीरो जल्दी सोच के बताना है, हो गया ठीक है। देखो मैं बताता हूँ, cot आपका जीरो आता है बेटा 90 में, बिल्कुल 90 में आता है, ठीक है, इसीलिए या तो आप a की वैल्यू बनाइए या तो b की बनाइए, मैं बी की बनाऊंगा, क्यों क्यों अब ये सोच रहे होंगे आप बी की क्यों, देखो बच्चा सारे जो है हमारे आंसर्स वो ए के फॉर्म में, ठीक है, और अगर बी के फॉर्म में होते तो मैं दोनों भी बनाता, लेकिन सिर्फ ए की फॉर्म वाले मुझे पता है, तो बी की वैल्यू बनाऊंगा मैं, तो ए की जगह बी पुट कर दूंगा आराम से, जिससे कि सॉरी बी की जगह ए पुट कर दूंगा आराम से, जिससे कि मुझे ऑप्शन मिलते समय आंसर आते समय वो ए के फॉर्म में आएगा, ठीक है, ये प्रैक्टिस से आएगा, एक दिन में नहीं आने वाला है, ठीक है, इसे नंबर बन दे दो साइन ए प्लस बी, वैसे भी सीटिंग आपको ये नंबर वंबर देकर सॉल्व नहीं करना है, ये यहाँ से मैं आपको प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ हो गया साइन ए कितना है, ए तो ए बचा, ठीक है, और ये बन गया प्लस टू इन ब्रैकेट पाई बाय टू माइनस ए, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए साइन ए, एक मिनट, साइन ए प्लस टू यहाँ मल्टीप्लाई किया तो सिर्फ पाई बचा, ठीक है, और यहाँ बचा माइनस टू ए, ठीक है, तो यहाँ बचा साइन पाई माइनस ए, ठीक है, देखो ये ए और ये टू ए, तो ये नेगेटिव इसलिए पॉजिटिव है बचा, तो यहाँ आया साइन है, क्या आया साइन है, ठीक है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन साइन ही रहता है और वो पॉजिटिव ही रहता है, आपको पता होगा, देखो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है, इसीलिए कोई दिक्कत है नहीं, ये जरा नोट है ना डाउनलोड कर लिया करो, जितना मैं लिखा था ना ये सब डाउनलोड करके आप अच्छे से संभाल के रखा करो कहीं ना कहीं अपने मोबाइल में, ठीक है, हर बार आपको टेलीग्राम खोलने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है, इस तरीके से वीडियो डाउनलोड करके संभाल के रखा करो, ठीक है। चलिए तो पीडीएफ में सब आ रहा है आपको, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी है ना, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, दो मिनट में क्वेश्चन हो गया, ठीक है, अब ये मैंने समझाया साथ में, अगर आपको समझाना ना पड़े तो फिर तो कल हो जाए, ठीक है। चलिए चले अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, ठीक है, अब ये देखिए cos 48 sin 12 इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, अब यहाँ अगर ध्यान से देखोगे तो sin 18 की वैल्यू दी गई है, ठीक है, तो ये देखिए अब यहाँ ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो cos स्क्वायर 48 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 12 डिग्री, ठीक है, अब यहाँ अगर आप दिमाग लगाओगे तो आपको पता है कि यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगेगा,
देखो यहाँ मैं साइड में लिख रहा हूँ cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b है एक्चुअली ये, ठीक है। तो यहाँ आपका जो फॉर्मूला लग रहा है वो लग रहा है cos a प्लस b, ठीक है, इंटू cos a माइनस b, ठीक है। अब ये कंपाउंड एंगल में मैंने आपको पढ़ाया था जब मैंने चैप्टर का बेसिक्स कराया था, ठीक है। तो यही वो फॉर्मूला है जो आपको याद रखने है। देखो ऐसे होता है, हर जगह आप यूज कर सकते हो लेकिन आपको याद होना चाहिए। अगर याद है तो बहुत ही शॉर्ट में निपटा लोगे सीटी के क्वेश्चन, वरना करते करते तो फिर आपका पसीना छूट जाएगा जैसा मेरा छूट रहा है, ठीक है। ये तो मेरा गर्मी के कारण है लेकिन आपका पेपर में छूटेगा एसी वाले में, ठीक है। देखो cos a प्लस b, अब एसी वाले में मुझे नहीं पता, मैंने इसे बोल दिया 48 प्लस 12 कितना होता है 60, ठीक है। और यहाँ इंटू cos 48 माइनस 12 कितना होता है 36, ठीक है। चलिए अब देखिए cos 60 कितना होता है भाई, cos 60 1 / 2 होती है, होता है सर, होती नहीं होता है सर, यार देखिए cos 36, सब इसकी वैल्यू तो साइन दी है क्या यार, बहुत आसान है। देखो हम जानते हैं ना कि 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर, सॉरी एक मिनट, अच्छे से लिखना चाहिए 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये जो ये उधर से ले गया ये इधर आ गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा, ये आपका मेन फॉर्मूला है, ठीक है। तो देखिए अब ये cos 2 थीटा है ना, तो ये 36 ये 18, ठीक है। तो इसे आप इससे ये बनाओ, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18, ठीक है। और रेस्ट इज द कैलकुलेशन पार्ट, तो इसे आप मुझे सॉल्व करके आंसर कमेंट कीजिए, आंसर हैशटैग कमेंट कीजिए, ठीक है बच्चा। चलिए हो गया ना, समझ गया ना क्या किया मैंने। देखो ये डबल एंगल था, उसके हाफ एंगल यहाँ बैठा, 36 के आधा 18, ठीक है। ये यहाँ चिपका दो आंसर, ये चिपका दो इसकी वैल्यू, आंसर आ जाएगा ये तो डायरेक्ट 5 माइनस 1 अपॉन 4 हो जाएगा, तो 4 अपॉन 4 हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो 5 माइनस 1 4, 4 अपॉन 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ 1 बाय 4 आएगा, तो यहाँ ये कटेगा तो 1 बाय 2, तो 1 माइनस 1 बाय 2, 1 बाय 2, तो कुछ 1 बाय 4 के आसपास आंसर आएगा। चलिए करके देखिए फिर मुझे बताइए, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए 1, 2, 3 हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चा, tan थीटा इज इक्वल टू a बाय b, b cos 2 थीटा एंड a sin 2 थीटा, प्योर फार्मूला क्वेश्चन, प्योर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही आसानी से हो जाएगा, देखो आपको पता होना चाहिए कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये डेरिवेटिव में बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है, तो आपको वैसे भी आना चाहिए। और ट्रिग्नोमेट्री यू लिया मैंने स्टार्टिंग में, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है बच्चा कि ट्रिग्नोमेट्री जान है सारे चैप्टर्स की, ठीक है। कहीं भी नहीं ऐसा है कि ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं होगा, ठीक है। यू हैव टू डील विद ट्रिग्नोमेट्री इन ईच एंड एवरी चैप्टर, ठीक है। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री आपको थोरोली आना चाहिए, बिल्कुल एक एक फॉर्मूला इसको समझना चाहिए, ठीक है। चलिए सर, तो यहाँ देखिए tan a, tan थीटा इज इक्वल टू a बाय b, क्वेश्चन तो बड़ा ही बकवास हो चुका है, देखो b cos 2 थीटा चिन्ह हो चुका है क्वेश्चन, सच बोल रहा हूँ, ठीक है। a sin 2 थीटा, तो यहाँ देखिए आपको ये वैल्यू रखनी है, तो b और उसके बाद b इन ब्रैकेट, ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है ना, तो tan की वैल्यू क्या है a बाय b, तो a स्क्वायर बाय b स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ प्लस ये थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ, देखो a इंटू a इंटू ये साइन टू थीटा है, आप कंफ्यूज मत होना, स्क्वायर नहीं है ये, नीचे लिखा है मैंने, ठीक है, वरना आप समझोगे यार, हाँ समझते हैं बच्चा, इसीलिए समझना नहीं आपको, वैसे मैं बता रहा हूँ ना आपको उस तरीके से समझना, a बाय b, ये टू ऊपर या नीचे में समझना है, ये टू अपॉन वन ऐसे समझो, ठीक है। चलिए ये 1 प्लस a स्क्वायर बाय b स्क्वायर, तो जरा इसे सॉल्व करके मुझे बताना था आंसर कौन सा है, ठीक है। तो सॉल्व एंड कमेंट, ठीक है। अब ये मैं करके क्यों नहीं दे रहा हूँ, ये बच्चा एकदम ही हलवा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हलवा क्वेश्चन आप कर सकते हो, यहाँ से मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आप कर लोगे, यहाँ से कर लोगे ना बिल्कुल, ये b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, या b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आएगा, या b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आएगा, ठीक है। यहाँ भी b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आएगा, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, यहाँ b से मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, यहाँ a से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो यहाँ ए स्क्वायर और यहाँ बी भी कैंसिल, यहाँ ए भी कैंसिल होगा, तो यहाँ ऊपर एक बी जाएगा, तो यहाँ टू ए भी आएगा, ठीक है। चला देखना फिर समझ जाओगे, ठीक है। चलिए नोट कीजिए 1, 2, 3 हो गया, ठीक है बच्चा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगर कि प्लस माइनस या मल्टीप्लाई की गलती हो जाए मुझसे तो थोड़ा माफ कर दीजिए, माफ कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा देखना कहीं अगर वैसा हो जाए तो थोड़ा करेक्ट कर लेना, कोशिश कर रहा हूँ, होगी तो नहीं बच्चा, ठीक है, ठीक है। चलिए द वैल्यू ऑफ थीटा सैटिस्फाइंग बोथ द इक्वेशन, ठीक है, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली थीटा की वैल्यू, क्लियर। चलिए देखते हैं अब यहाँ तो क्या कर सकते हैं, ठीक, देखो cos थीटा 1 / √2 कब आता है, cos थीटा 1 / √2 आता है बच्चा,
4 पे, ठीक है बिल्कुल। और अब वापस से पॉजिटिव कब आता है, देखो यहाँ एक बात आपने नोटिस की होगी, तो देखो ये क्वाड्रेंट के साथ गेम खेल रहे, ठीक है। देखो जो कॉस है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, ठीक है, फिर डायरेक्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, ठीक है। कॉस की बात हो रही है, मैं कॉस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव है और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसाइन पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन जो ऑन द अदर हैंड टैन है ना, टैन इज पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड की तो बात ही नहीं करनी है, सेकंड में तो दोनों नेगेटिव है बोलना, ठीक है। तो यहाँ नेगेटिव बात हो रही है, टैन की बात नेगेटिव के मामले में हो रही है, तो शायद ये यहाँ है फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है मेरे हिसाब से, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, ठीक है। क्यों बोल रहा हूँ मैं फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ कोसाइन नेगेटिव तो टैन नेगेटिव आएगा, हमें कोसाइन पॉजिटिव चाहिए अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो, ठीक है। देखिए कोसाइन इज पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ नहीं बैठ सकता, यहाँ नहीं बैठ सकता क्योंकि यहाँ सारे पॉजिटिव, तो टैन पॉजिटिव, सिर्फ ये फोर्थ क्वाड्रेंट बचा है जिसमें कोसाइन भी नेगेटिव आएगा, और सॉरी कोसाइन तो पॉजिटिव आएगा लेकिन ऑन द अदर हैंड टैन नेगेटिव आएगा, ठीक है, क्योंकि साइन यहाँ नेगेटिव हो जाएगा और टैन की वैल्यू होती है साइन बाय कॉस, ठीक है, ये आप जानते हो, ठीक है। ये तो लिखने की आवश्यकता नहीं, क्लियर, ठीक है। तो सर क्या कर सकते हैं, देखो बच्चा बहुत ही आसानी से सोचना थोड़ा, ठीक है। यहाँ क्या करोगे आप, टू पाई माइनस कितने पे आता है ये 1/2, ये आता है बच्चा पाई बाय 4 पे, यहाँ अगर आप माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 7π/4, तो यही आपका आंसर है, ठीक है। जो कॉस के लिए सेटिस्फाई हो जाएगा वो टैन के लिए भी हो जाएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। फिर भी आप वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है, इसकी वैल्यू 1/√2, ठीक है। तो आप वेरीफाई करना चाहते हो, ठीक है, इसमें डाल लो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें डाल दो। तो यहाँ 1 कब आता है, ये 1 आपका आता है बच्चा π/4 पे, कितने पे, π/4 पे, ठीक है। तो अब ये निगेटिव है, ठीक है, तो ये सेकंड में भी निगेटिव है बिल्कुल, लेकिन सेकंड में नहीं चाहिए हमें, ठीक है, ये हमें थर्ड में पॉजिटिव मिल जाएगा। तो यहाँ क्या करोगे, 2π-π/4 इसके लिए, ठीक है। तो देखो क्या आएगा फिर वापस से, 8π-π/4, तो आखिर में 3π/4, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये आना चाहिए जो मैं बता रहा हूँ बच्चा, बहुत ही जरूरी चीजें होती है, ठीक है। चलिए समझ लो मेरी बात, तो आपका ऑप्शन डी है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, 1, 2, 3, कमजोर से कमजोर बच्चा भी कर सकता है, सिर्फ उसको बेसिक लेक्चर देखने की आवश्यकता है, ठीक है। देखिए हमने ज्यादा से ज्यादा 25 मिनट हो गए, हमने 5 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है सर। हमको तो वहाँ 2 मिनट में करना है क्वेश्चन, कैसे करेंगे, हो जाएगा, नोट नहीं लेना है, पढ़ाई करनी है बच्चा, ठीक है, 2 मिनट के अंदर करना है वैसे, ठीक है। लेकिन कुछ सारे क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, कुछ तो बहुत ही हलवा होते हैं, ठीक है, वो तो 10 सेकंड के अंदर क्लिक हो जाते हैं, तो उनका बचा हुआ टाइम बाकी डिफिकल्ट क्वेश्चन में, और प्रैक्टिस कर करके खुद को इतना जोक देना है ना कि सीटी फोड़ेंगे, मतलब फोड़ेंगे, ठीक है। चलिए और मैं अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करा दूं, मैं 21 से पहले के क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, 20, 18 और 19 के मैं बाद में लूंगा, पहले मैं डिफिकल्ट लेवल करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने इजी लेवल के क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड में कर चुके, ठीक है। चलिए 300 से 400 क्वेश्चन अपलोड किए मैंने हर चैप्टर के, 30-30 किए, तो एक बार जरा देखना, ठीक है। पी इज इक्वल टू 10/20, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 10/160 माइनस 10/110 एंड 1+10/160 इंटू 10/110, ठीक है। चलिए अब करते हैं इसे सॉल्व, ठीक है। देखिए तो tan यहाँ 160 को कैसे लिख सकते, पहले मैं साइड में आपको लिख के बताता हूँ, tan 180 माइनस 20, ठीक है। तो tan आपको पता है क्या होता है, सिंपल देखो आपको tan का नहीं आता डायरेक्टली, तो साइन का तो आता होगा, साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ठीक है, और cos पाई माइनस थीटा भी क्या होता है, cos थीटा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि tan π माइनस थीटा क्या होगा, tan थीटा होगा, क्योंकि ये अपॉन में लोगे तो ये tan ही तो बनने वाले, ठीक है, तो यहाँ tan थीटा ही आएगा, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली नहीं रूट से जाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आपको हर एक चीज समझे, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया, क्योंकि बहुत से बच्चे नहीं करते पढ़ाई अच्छे से, ठीक है, तो मेरा काम है उनको अच्छे से अच्छा बताना, ठीक है। चलिए अब tan 110, तो tan 110 क्या होता है बेटा, tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस 20, देखो 90 प्लस 20 करोगे तो हो जाएगा ना, तो अब यहाँ उल्टा गेम हो रहा है, यहाँ कॉट हो रहा है, ध्यान देना कॉट हो रहा है, ठीक है, कॉट 20। अब सर ऐसे कैसे, ये भी बता रहा हूँ, देखो साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है, और कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि ये चेंज कर लेते, तो कंपाउंड एंगल लगा के देखो, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है, तो कॉस ए जैसे हो जाएगा, कॉस 90 जैसे हो गया, जीरो हो गया वो,
साइन 90 इनटू कॉस थीटा ही बचा, तो कॉस थीटा के ठीक है। यहाँ देखिए कॉस ए इनटू साइन बी, सॉरी कॉस ए इनटू कॉस बी प्लस की जगह माइनस साइन ए इनटू साइन बी, तो यहाँ साइन ही बचा। कॉस 90 वाली टर्म तो ऑलरेडी जीरो, क्योंकि कॉस 90 जीरो, उसके साथ वाली टर्म भी जीरो। जरा एक बार पेन कॉपी लेके बैठना, जो मैं बोल रहा हूँ वो करके देखना ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है बच्चा? सर आप क्यों नहीं करके देते? ठीक है बिल्कुल, आपका बिल्कुल सही है बच्चा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप भी थोड़ा चलाए अपना पेन ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर होगी बात ठीक है, यहाँ तक समझ गया ना आपको? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, इसे कैसे लिखा जाएगा? इसे लिखने का बहुत ही आसान सरल तरीका है ठीक है। देखो यहाँ आप लिखोगे 1/tan 20 ठीक है। तो जहां जहां ये मिले ठीक है, उसकी जगह 1/tan 20 लिखना है ठीक है। थोड़ा सा हाईलाइट कर दो इसे ठीक है। चलिए अब यहाँ इसे सॉल्व कर लूँ मैं, ये थोड़ा सा शॉर्ट में ले रहा हूँ साइड में, एक मिनट मत लेना इन चीजों को ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल ही है ठीक है। चलिए अभी इसे सॉल्व करते हैं ठीक है, अभी इसे सॉल्व करते हैं। ये tan 160 माइनस tan 110 अपॉन 1 प्लस tan 160 इनटू tan 110 ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ 180 तो tan 20 थीटा गिन दिया है मैंने, ये बड़ी गंदी आदत है tan 20 ठीक है। तो यहाँ इसकी जगह tan 20 लिख सकता ठीक है, माइनस यह इसकी जगह 1/tan 20 और इसकी जगह 1+tan 20 इंटू 1/tan 20, तो ये कैंसिल हो गया डायरेक्टली ठीक है, ये डायरेक्टली कैंसिल हो गया ठीक है। चलिए सर आपकी गंदी आदत हैंडराइटिंग निकालने की सुधरेगी कब? ये बच्चा बचपन से टीचर मारते मारते थक गया, लेकिन मैं सुधरेगी सॉरी ठीक है, ये टाइम ठीक है। चलिए तो ये तो खत्म हो गया यार मेरे हिसाब से, ये तो खत्म ही हो गया ना, ये पूरा टर्म गया ठीक है, क्योंकि ये वन बन जाएगा तो यहाँ तो दो आएगा ठीक है। यहाँ पी माइनस 1/p इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1/2p, तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं, एक भी मैच नहीं कर रहा, क्या हो गया, कुछ तो गड़बड़। चलिए देखते यहाँ, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ क्या हो गया ना, मैंने यहाँ माइनस नहीं लिया ठीक है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस चाहिए था, वो मैंने लिया नहीं ठीक है। और ऊपर से यहाँ ये कॉस 90 प्लस थीटा, तो ये भी माइनस चाहिए था ठीक है, क्योंकि बात ऐसी है कि यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के बाद कॉस निगेटिव हो जाएगा, कॉस निगेटिव हो जाएगा ठीक है। चलिए तो ये भी हमें करना था ठीक है। चलिए सर क्लियर होगी बात ठीक है, तो ये दोनों को निगेटिव साइन लगाना था जो कि हमने नहीं लगाया, तो ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, तो यहाँ ये निगेटिव आएगा तो यहाँ भी निगेटिव आएगा सर, तो यहाँ निगेटिव आएगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, और यहाँ यहाँ क्या आ रहा है आपका, निगेटिव आ रहा है मेरे हिसाब से, तो यहाँ देखो यहाँ दोनों निगेटिव आ रहा है, तो टेंशन वाली बात नहीं, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छे से लिख दिया है ना, चलिए ये थोड़ा अच्छे से लिखते। अब मैं आपको ये होगी आम जिंदगी ठीक है, मेंटल जिंदगी भी बताऊंगा, एक मिनट थोड़ा देखना ठीक है। ये तो आम जिंदगी ठीक है, जो सब कर रहे हैं ठीक है, तो सर आपको कुछ अलग बताएंगे ठीक है। वैसे ये भी इजी है बोलना, अब जो मैं दूसरी मेथड करना चाहूंगा, देखो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया आपका 2p ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन कौन सा बैठ रहा है, ये ए ऑप्शन है इसका करेक्ट ऑप्शन ठीक है। देखो सिंपल सी बात है क्लियर, अब देखो ये मेंटल जिंदगी देखो मेथड 2 ठीक है, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही सीक्रेट है, बिल्कुल सीक्रेट नहीं। देखो tan a माइनस tan a tan b 1+tan a इंटू tan b, तो यहाँ फॉर्मूला क्या बैठता है, tan a माइनस b वाला, तो tan 160 माइनस 110 जो कि बिल्कुल सीक्रेट नहीं है, tan 50 और tan 50 यानी cot 40 ठीक है, और cot 40 का आ गया, जानते हो क्या हासिल होने वाला है, cot 40 को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, 1/ मेथड 2 है ये भी है, 1/ tan 40 ठीक है। तो tan 40 को कैसे लिख सकते हैं, 1/tan 2 × 20 ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं tan 2 थीटा के लिए क्या है आपका फॉर्मूला, 1/2 tan θ / 1+tan²θ ठीक है, 1 प्लस ही होता है ना, बिल्कुल 1 प्लस ही होता है क्लियर। चलिए तो यहाँ 2p तो आ गया, अपॉन ही उल्टा चले गया तो 1+p² ठीक है, ये तो ऑप्शन है, देखो दोनों सेम टू सेम आ गए।
ठीक है, तो इस तरीके से आप इससे भी कर सकते हो या उससे भी कर सकते हो, आपको जो मेथड कन्वीनियंट लगे। यह है मेंटोस जिंदगी, ठीक है, और यह है आम जिंदगी, ठीक है। लेकिन आम जिंदगी बेटर है क्योंकि यहाँ कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ माइनस का, मेरे से भी गलती होगी, ठीक है, तो समय पे तो हो सकती है किसी से भी, ठीक है। चलिए तो अब गड़बड़ नहीं करेंगे, आगे आराम से करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। tan a इक्वल टू 1 बाय 2, tan b इक्वल टू 1 बाय 3, देन a प्लस 2 b हैज द वैल्यू, ठीक है, सॉरी हैज द वैल्यू। देखिए अब tan 2b का टेंशन मत लेना है, ठीक है, ये एक्चुअली a प्लस 2b पूछा हुआ है, वो हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। हमें वही घिसा पिटा फॉर्मूला लगाना है, tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a इनटू tan b, सॉरी प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इनटू tan b, वही घिसा पिटा फॉर्मूला, ठीक है। नई बात कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। तो आप बोलोगे सर यहाँ तो 2b का ट्विस्ट है, अरे ये कुछ भी नहीं है, जितना फर्क दाल तड़का और दाल मखनी में है उतना ही है, ठीक है। क्या बोला मैंने मुझे कुछ खुद नहीं पता, ठीक है, क्योंकि मखनी तो मैंने कभी खाई नहीं। चलिए देखते चलिए, ठीक है, tan भी पूछा है ना, चलो tan 2b निकाल लो पहले। तो tan 2b क्या हो जाएगा बेटा, 2 tan b अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर b, ठीक है, क्योंकि ऊपर तो प्लस होगा नीचे माइनस आएगा, सिंपल बात है, ठीक है। ये तो आपको पता है 2 बाय 3 हो जाएगा, 1 माइनस 1 बाय 3 का स्क्वायर यानी 1 बाय 9, ठीक है। तो यहाँ हो गया 2 बाय 3 इंटू, क्रॉस कर लो इसको, 9 तो ऊपर चल जाएगा भैया, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 4 जा हो जाएगा, तो यहाँ 3 3 जा हो जाएगा, तो यहाँ 3 बाय 4 हो गया। तो tan 2b हो गया 3 बाय 4, 3 बाय 4, अब थोड़ा बता सकते क्या बच्चा। अब यहाँ tan a प्लस बी डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, a प्लस 2b, देखो क्या आएगा, पहले tan a इंटू tan 2b, ठीक है, देखो tan a, चलो डायरेक्ट नहीं करते, tan 2b प्लस हो जाएगा बीच में, यहाँ प्लस है इसलिए, ठीक है, 1 माइनस tan a इंटू tan 2b, तो क्या हो जाएगा 1 बाय 2 प्लस 3 बाय 4, 1 बाय 2 प्लस 3 बाय 4, ठीक है, 1 बाय 2 प्लस 3 बाय 4 अपॉन 1 माइनस 1 बाय 2 इंटू 3 बाय 4, ठीक है ना, हाँ 1 बाय 2 इंटू 3 बाय 4, तो 1 बाय 2 इंटू 3 बाय 4, 1 बाय 2 इंटू 3 बाय 4, तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा ये, तो यहाँ 8, 8 में से ये 5, 5 बाय 4, तो उल्टा हो गया 4 बाय 5, देखो क्योंकि यहाँ 8 और 8, यहाँ देखो यहाँ 8 चला जाएगा, तो यहाँ 8 बन जाए 8, तो ये 5, ठीक है, तो 5 बाय 8 हो जाएगा ना सर, 4 कैसे बोला आपको, बिल्कुल, तो यहाँ नीचे आ जाएगा बच्चा, यहाँ 8 आएगा, ठीक है, 8, देखो क्योंकि 4 टू जाए 8, यहाँ माइनस करोगे तो 8 माइनस 3 5, तो 8 बाय 4, 5 उल्टा हो जाएगा, और ये 8 अपॉन यहाँ तो कितना हो जाएगा यार 4, और यहाँ 6, 4 और 6 12 है ना मेरे हिसाब से, 4 और 6 10, क्या किया यार सर, क्या कर रहे हो आप, नींद हो गया सर, नहीं नहीं ठीक है, देखो 4 बंदा 4, ये 6 10, ये 8 कट गया है, ये दो आए ऑप्शन है क्या, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए तो ये कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, चलिए कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो ज़रा माफ़ कीजिए, ठीक है। चलिए अब ये देखिए साइन 160, बिल्कुल वो जो क्वेश्चन था आपका इसके पहले वाला, कौन सा था ये, टैन वाला भी किया था ना, अभी किया था, अभी किया था, हाँ ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, स्लाइड नंबर 6 देखना, अभी पीडीएफ में देखना, ठीक है, उसी के जैसा, तो सॉल्व करना ज़रूरी से, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, थीटा माइनस 180, ठीक है, फिर साइन उल्टा कर लेना, ठीक है, इसे सॉल्व कर देता हूँ, देखो साइन स्क्वायर, इसको लिखना थीटा माइनस 180, सॉरी 20, थीटा है ना, तो 20 माइनस 180, तो यहाँ स्क्वायर है ना, इस कारण से जुगाड़ कर सकते हैं, ये आधा आधा सॉल्व करना क्वेश्चन, अगर एकदम से ना समझे तो, ठीक है। आगे इक्वल टू देखिए, देखो यहाँ पूरा ब्रैकेट का साइन 20 लिख सकते हैं, यहाँ भी माइनस निकाल सकते हैं बाहर, और यहाँ स्क्वायर लगा सकते, ठीक है, इसे उल्टा कर दोगे माइनस यहाँ आ जाएगा, माइनस बाहर, देखो नहीं समझे क्या, देखो साइन ऑफ माइनस थीटा, क्योंकि मैं साइन उल्टा कर दूंगा, 180 पहले आ जाएगा 20, तो माइनस आ जाएगा कॉन्स्टेंट बाहर कॉमन, ठीक है, तो ये माइनस साइन थीटा होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो इसीलिए माइनस स्क्वायर करो तो साइन 20, ठीक है, साइन 20 हो गया, ठीक है, साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर 180 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है, ठीक,
ये तो गया है अभी, इसका तो कोई लेना देना भी नहीं है। ठीक है, इसका तो कोई लेना देना भी नहीं है। चलो देखते साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया मेरे हिसाब से। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, तो यहाँ इसे सॉल्व करोगे तो एक साइन थीटा बचेगा सिर्फ। ठीक है, गया नहीं बचा। ठीक है, चलिए आपके साथ जिंदा लगा के ये देखो साइन 70, अब इसे पार्ट पार्ट में सॉल्व करना। ठीक है, टेंशन नहीं लेना। यहाँ साइन 90 माइनस 20, तो यहाँ हो गया भाई कॉस 70 है ना, तो कॉस 20 है, कॉस 20 का स्क्वायर। मेरे बात सही है? मेरी बात तो कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ 70 था उसको 90 माइनस 20 लिखा, 70 है वो। ठीक है, तो यहाँ कॉस 20 आ गया, तो कॉस 20 का स्क्वायर है ना कॉस स्क्वायर 20। तो यहाँ देखो मेरे हिसाब से यहाँ आ गया, इसे सॉल्व करो। अब मैं फाइनली सॉल्व कर रहा हूँ, चलो अलग रंग से कर देते हैं ना, थोड़ा आपको भी समझने में आसानी हो मुझे बताने में। ठीक है, देखो यहाँ दिख रहा है ना, देखो इसकी जगह क्या आ गया, कहाँ दिया ये, कहाँ गया, हाँ ये इसे सॉल्व किया ना मैंने, तो साइन 20 साइन स्क्वायर 20 है ना, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ भी आएगा। ठीक है, ऐसा दे देता साइन स्क्वायर 20। ठीक है, क्योंकि आप देखो साइन स्क्वायर 20 लिखो या साइन 20 का स्क्वायर लिखो, वो फंक्शन का स्क्वायर है तो सबको लगेगा, वो एंगल से कोई लेना देना नहीं उसका। ठीक है, समझो। चलिए बेसिक बातें बच्चे, ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, नहीं आता है तो आपको जरूर मेरे प्रीवियस लेक्चर देखने चाहिए जो मैंने बोर्ड के लिए बनाए थे, बहुत ही प्यारे हैं। हाँ, लेकिन लंबे, ठीक है, लंबे तो नहीं, ये तो मैं नहीं बोलूंगा कि लंबे नहीं है, अच्छे खासे लंबे हैं। यहाँ स्क्वायर नहीं चाहिए यार, वरना सॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ स्क्वायर नहीं है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ स्क्वायर नहीं चाहिए, ये बच रहा है। देखो यहाँ एक करेक्ट है, ये थोड़ा करेक्शन है इसमें, ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ आएगा आपका टेन स्क्वायर 20 मेरे हिसाब से आंसर। ठीक है, इसमें करेक्शन कर लेना, ये हटा लेना। ठीक है, तो टेन स्क्वायर 20 बीच द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बाकी सही। ठीक है, चलिए नोट कीजिए 1 2 3। ऐसे हलवा क्वेश्चन से बच्चा, लेकिन आपको थोड़ा सा संभल के करना है। ठीक है, कहीं गलती ना हो जाए गड़बड़ में, बाबूजी जरा धीरे चलो। ठीक है, अगर एमएसटी सीटी में जेई के क्वेश्चन है, जेई के क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, जरा धीरे चलो। ठीक है, अब यहाँ देखो डी फैक्टराइजेशन आ गया, तो आई गए बहुत जान पे आधे फॉर्मूला लगाना है ना मेरे भी। ठीक है, आपको नहीं बोल रहा उसे। ठीक है, चलिए करते हैं इसे। तो यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर 10, ठीक है, माइनस यहाँ देखिए यहाँ 2 लगाओ। ठीक है, पहले तो 2 लगाओ और फिर क्या करोगे, अब 2 लगाया तो चलेगा, यहाँ एक काम करते ना 1/2 लगा लेते, फिर यहाँ 2 कॉस 10 इंटू कॉस 50, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 50। ठीक है, चलिए अब इसे सॉल्व कर रहा हूँ मैं, इज इक्वल टू, ध्यान देना मुझे उस पर, कॉस स्क्वायर 10 ऐसे रहने दो। ठीक है, माइनस 1/2, वैसे क्या वैसा, एक काम करो ना 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना हाथों हाथ, एक काम करते 2 से, तो यार 2 से एलसीएम ले लेते, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी है ना। चलो रहने दो, 2 यहाँ लिया ना, ये रहने दो पहले, तो पहले से लिख लेते हैं। अब तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो दोनों कॉस है, दोनों कॉस कब आते, बात अच्छे से डाल लो, दोनों कॉस कब आते, जब दोनों कॉस रहते तभी कॉस आते बात, और दोनों पॉजिटिव में रहते। ठीक है, देखो कॉस ए प्लस बी यानी कॉस 60, ठीक है, समझ लो मेरी बात, प्लस कॉस यहाँ भी यहाँ ये दे देना। ठीक है, कुछ नीचे लगा देना, उसके ब्रैकेट लगा देना, साइन हो जाएगा उल्टा। ठीक है, यहाँ 40, ठीक है, चलिए प्लस इसके बाद, इसके बाद यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर 50। ठीक है, कॉस स्क्वायर 50। ठीक है बच्चा, अगली क्या करेंगे आप, देखो इसे आप एक जुगाड़ लगा सकते, सिंपल सिंपल आप अलग अलग तरीके से कर सकते। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ 60-10 लिखो, 60-50 लिखो, यहाँ 60-10 लिखो, कुछ कुछ भी जुगाड़ हो सकता है। ठीक है, 90-40 भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो आपकी इच्छा है, टोटली आपकी इच्छा। ठीक है, मैं यहाँ जो करा रहा हूँ आपको वो देखो। ठीक है, यहाँ मैं क्या करूँगा, 1 माइनस, देखो मेरे पास एक फॉर्मूला है वो पहले बता दूँ आपको। ठीक है, जो फॉर्मूला आप जानते हो, सब जन जानते हो, ऐसा कुछ नहीं, मैं कुछ सीक्रेट बात नहीं बता रहा। कॉस स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस cos 2 थीटा, ये तो सब जानते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ कुछ ऐसे करने जा रहा हूँ, यहाँ 2 नहीं है ना मेरे पास। ठीक है, वो 2 डिवाइड में दे दो ना इसके नीचे ऐसे। ठीक है, तो मैं देने जा रहा हूँ, देखो 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, तो 1 प्लस cos 20 अपॉन 2। ठीक है, ये समझ में नीचे चले गया, tan का 20 बन गया डबल एंगल,
तो हाफ से डबल कर दिया, ठीक है। अब ये टू ये रहने दो ऐसे, ठीक है। इसका जुगाड़ मत, टेंशन मत लो इसका, ठीक है। ये ऐसे ही रहेगा, इसका लोन ही लेना है आपको। इसका क्या हो जाएगा, कॉस 100। तो 1 प्लस कॉस 100 अपॉन 2, 1 प्लस कॉस 100 अपॉन 2, ठीक है बच्चा। अब इसे सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसे आगे सॉल्व करेंगे, तो किस तरीके से करेंगे इसे सॉल्व, ध्यान से देखना, ठीक है। अब ये 2 तो भाई एक साथ आ गया सबका, ठीक है सर। अब यहाँ इसकी वैल्यू तो हमें पता है 1/2, है ना, cos 61/2। cos 100 नहीं पता हमें और cos 20 नहीं पता, ठीक है। चलिए इसका भी कुछ जुगाड़ हो जाएगा, है ना। देखिए अब cos 60 इन दोनों को पास में लेके आओ, इसमें वापस एक बार फॉर्मूला लगा। तो देखो यहाँ 2 तो सबके नीचे कॉमन आ गया, पहले तो 2 लिख लेते हैं सबके नीचे कॉमन, ठीक है। 2 सबको जोड़ रहा है, देखो डिनोमिनेटर सेम है। क्वेश्चन पे ध्यान देना, यहाँ 1+1 2 हो रहा है, पहले तो ये लिखो 2। अब ये 2 इसके साथ काट मत देना, वो शहीद नहीं होगा, क्योंकि वो अलग 2 है, वो प्लस माइनस में, वो कटेगा नहीं, कॉमन आता तो कटता है। अब ये cos 20 और cos 40 को पास में लिखो, cos 20 इंटू सॉरी cos 20 प्लस cos 40, ठीक है। उसके बाद लिखो यहाँ 60, तो इसकी जगह लिखो -1/2, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस कॉस 100, ठीक है। इसको ऐसे रैप रखो, ठीक है। यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चा, तो यहाँ आपको फैक्टराइजेशन फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ ना, हाँ यही मिलेगा, ठीक है। एक काम करो, यहाँ फैक्टराइजेशन लगाने से अच्छा है यहाँ अगर लगाओगे तो मेरे हिसाब से, एक काम करो सीधा लिख लेते हैं, ठीक है। 2 प्लस कॉस 20 पास में लिख रहा हूँ मैं, और प्लस कॉस 100। यहाँ थोड़ा सा आपको आपका जो मस्तिष्क है, ठीक है, उसको उपयोग करना होगा, ठीक है। ये -1/2 हो गया, तो ये 3/2 आ गया, ठीक है। अब ये 2 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ मस्तिष्क का उपयोग कैसे करना है ये मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। देखो यहाँ फैक्टराइजेशन फॉर्मूला अगर लगाते हो, ठीक है, तो यहाँ देखो यहाँ cos 40 बन रहा है डायरेक्ट डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये 3/2 तो हो ही रहा है बच्चा, यहाँ हो रहा है प्लस 2 इंटू cos 60 इंटू cos 40, ठीक है, और प्लस cos 40, प्लस cos 40 है ना, वो हो ही रहा है, वो तो 40 तो आ ही रहा है, ठीक है। चलिए जरा देखते आ रहे हैं, हाँ cos 40 आ रहा है, ठीक है, आ रहा है ना cos 40, इसका cos 40, ठीक है। और यहाँ बीच में कहीं माइनस भी आना चाहिए था, अरे माइनस से कट जाता ना डायरेक्ट, चलो देखते जरा अपॉन 2, ठीक है। यहाँ अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ इसके लिए 3/2 प्लस 2 इंटू ये हो गया 1/2, 2 कैंसिल, cos 40 प्लस cos 40, ठीक है। ये कैंसिल होना चाहिए था यार, एक बार थोड़ा देख लेते क्या है, तो कहीं साइन का मिस्टेक हुआ हो गया क्या, यहाँ देखते जरा माइनस की कहीं गलती होगी क्या, ये कट जाता तो काम आसान हो जाता। चलो पीछे जाके देखते स्टार्टिंग से, यहाँ देखो यहाँ ब्रैकेट देना था ना यार, क्या गलती कर दी मैंने, ये देखो यहाँ ब्रैकेट करते तो ये -40 होता, यहाँ भी ये -40 होता, ठीक है। ये क्वेश्चन में समय लग रहा है हमें, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे, ठीक है बच्चा। यहाँ भी माइनस, अरे ये प्लस कट रहा है, चलो अब हो गया ना यार काम, 3/4 हो गया ऑप्शन डी, ठीक है, जो कि मैंने बोला था, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, 1, 2 एंड तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अब आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे, क्वेश्चंस को एंजॉय करना है यार, ये ऐसे देखना नहीं है, ठीक है, एंजॉय भी करना है, पढ़ना भी है, सब करना है, ठीक है। चलिए बटन लेके मत पढ़ना कि एकदम मुझे पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, वैसे नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा ये समझ के लेना है, अच्छे से करना है, ठीक है। चलो याद रखो, याद तो एक ही रास्ता है भाई मेरे हिसाब से, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाते हैं, क्या कर सकते क्या कर सकते, अल्फा और बीटा जोड़ना है ना, टैन अल्फा प्लस बीटा के साथ ट्राइंगल के सारे कुछ जुगाड़ बना रहे हैं। चलिए देखते, पहले तो टैन अल्फा प्लस बीटा होगा तो हम लिखते कैसे इसको, ये पहले देख लेते, कहाँ पहुंचना ये देख लेते, डेस्टिनेशन टैन अल्फा प्लस टैन बीटा अपॉन 1 माइनस टैन अल्फा इंटू टैन बीटा, यहाँ हमें पहुंचना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ कॉट अल्फा से टैन तक, टैन अल्फा तक का सफर, ठीक है, ये तो बहुत आसान है। टैन अल्फा यहाँ तो डायरेक्टली 2 हो रहा है,
cot का tan उल्टा हो जाएगा ना, 1 upon tan is equal to cot, ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा, सॉरी बच्चा। और यार सेक अल्फा, ये भी बहुत आसान है, 1 plus tan square beta is equal to sec square beta, ठीक है, तो tan beta मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो अंडर रूट sec square beta minus 1, ये उधर चले गया, रूट लीजिए, ठीक है। अब ये अंडर रूट इसकी वैल्यू -5/3 तो 25/9, ठीक है, माइनस तो दूध का धुला बन जाएगा क्योंकि स्क्वायर हो गया पॉजिटिव -1। तो यहाँ सिंपल सिंपल चीजें करनी है थोड़ी, ठीक है, थोड़ी सी, ज्यादा भी नहीं, बहुत आसान है, ठीक है। अगला गए हो गया, आसान है क्वेश्चन, ठीक है, टेंशन मत लेना। 16/9 तो 4/3 हो गया, यहाँ 4/3 लिखो, ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया, 2 + 4/3 अपॉन 1 - 2 × 4/3, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यह एक ट्विस्ट है, ठीक है, अब इसे सॉल्व करने में तो बहुत हलवा ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, लेकिन यह तो यहां से तो बहुत ही हलवा है बेटा, क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, आप कर सकते हो, लेकिन एक बात मेरी ध्यान से सुनना, जो गलती सब करते हैं वो आप करोगे, ठीक है। आपने डोमेन्स में कहां ध्यान दिया यार, क्या बोला है, इसमें कोई दुख वाली बात नहीं है। देखो ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से 3/2, ये थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें पॉजिटिव है बिल्कुल, लेकिन सेक बेटा देखो ये इधर है 5/2 से पाई, अब यहाँ तो टैन नेगेटिव होता है यार, मतलब ये वैल्यू नेगेटिव होता है बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ आपको नेगेटिव देना है बच्चा, यहाँ भी और यहाँ भी नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ तो हो गया आपका 6 - 4/3, ऊपर और नीचे हो गया 3 + 8 यानी 11/3, ठीक है, तो 3 कैंसिल, तो यहाँ आ गया 2/11, तो ऑप्शन सी, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात ये थी यहाँ कि ये आप भूल गए तो गया क्वेश्चन, ठीक है, नोट कीजिए 1, 2, 3, क्या प्रॉपरली विजिबल है आपको सारी चीजें, बिल्कुल विजिबल है, ठीक है। चलिए अब चलते अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। द वैल्यू ऑफ cos बीटा प्लस cos अल्फा प्लस cos बीटा स्क्वायर प्लस sin अल्फा प्लस sin बीटा स्क्वायर इज, ठीक है, वैसे आसान है क्वेश्चन, ठीक है, आप अगर इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos अल्फा, इसे सॉल्व करोगे, ठीक है, इनटू cos बीटा, ठीक है, प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा, ये अल्फा था, ठीक है, प्लस 2 sin अल्फा इनटू sin, ठीक है। ध्यान देने वाली बात ये है, थोड़ा सा अलग रंग से कर लेते, एक मिनट, अरे क्या हो रहा है, अरे ये और ये जरा साथ में है, ठीक है, इनका जरा टाका भिड़ा हुआ है, इनका और इनका जरा टाका भिड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ तो बन देंगे, ये बन देंगे, ठीक है, तो इसका मीनिंग हो गया, यहाँ एक आ गया इनका और यहाँ एक इनका आ गया, 2 कॉमन आ गया, ये हो गया cos अल्फा इंटू cos बीटा, ठीक है, प्लस sin अल्फा इंटू sin बीटा, ठीक है, sin बीटा। अब यहाँ देखिए 2 + 2, यहाँ देखो cos a इंटू sin b, sin a इंटू cos b, क्या होता है यार, बहुत आसान है रे, cos अल्फा माइनस बीटा, sin चेंज होता है ना, प्लस का माइनस, ठीक है, तो 2 कॉमन ले लो भाई मेरे, 2 कॉमन आने के बाद क्या हो जाएगा, 1 + cos α - β, इसका सिंपल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा रे, देखो 1 + cos का बात है, ठीक है, तो यहाँ cos आएगा तो 2 × 2 cos² α - β/2, हाफ एंगल फॉर्मूला पता होगा आपको ये, तो यहाँ आंसर आएगा 4 cos² β - α - β/2, फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए जरा इसे नोट कीजिए बच्चा, क्वेश्चन का आंसर तो बड़ा ही सरल था, ठीक है, लेकिन दिमाग जरा लगाना पड़ा है इसमें, वैसे आसान था, ठीक है, हाथ ही नहीं लगाओगे तो नहीं पाओगे, हाथ लगाओगे तो क्वेश्चन छूते बराबर खत्म है, ठीक है। चलिए समझ रहे हो ना, यह फॉर्मूला लिख दूं क्या, देखो फॉर्मूला लग गया है आपका 1 + cos θ = 2 cos²θ/2, ठीक है, इसमें एक माइनस वाला भी होता है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए आता है तो,
ठीक है चलिए हो गया। ये टू कहाँ से आया, ये टू ऑलरेडी था, ये टू ये फॉर्मूला से खींच के लाया, टू टू जो फोर ऑप्शन आपके सामने, ठीक है चलिए सही दिया ना, ठीक है चलिए गलती से ये मत मार देना यार, ठीक है हाँ नोट हो गया, वन टू थ्री ओके ठीक है। चलिए ट्वेल्थ ट्वेल्थ क्वेश्चन, अभी आप कर पाओगे क्या, कर पाओगे क्या जल्दी बताइए, देखो बहुत आसान है, देखो क्या बोला है, टेन टू अल्फा मुझे दिखते समय यही दिखे, ऐसा क्यों सर आपको यही क्यों दिखे बताता हूँ, देखो यहाँ जब मैं इस क्वेश्चन में घुसा मुझे दिख रहा है कि अगर मैं अल्फा प्लस बीटा करता हूँ प्लस अल्फा माइनस बीटा कर, देखो क्वेश्चन मत सीखो यार सोचते कैसे ये सीखो, ठीक है अब ये देखो अल्फा अल्फा कैंसिल तो टू अल्फा है, सर कुछ तो बात हो रही है यहाँ, जुगाड़ कुछ हो रहा है, ये छोड़ो फिलहाल के लिए छोड़ दो, ठीक है इसको छोड़ो वो देखो, ठीक है सर क्या करें फिर, चलिए अब इसको है ना, अगर ये ऐसा होता अगर मैं इसे कन्वर्ट करता, देखो यहाँ करता हूँ कॉस अल्फा प्लस बीटा भी होता और फोर बाय फाइव होता तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस इनवर्स फोर बाय फाइव बिल्कुल, तो यहाँ क्या यहाँ मैं अल्फा प्लस बीटा मतलब यहाँ मैं ऐसे लिख सकता कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स अपोजिट यानी थ्री बाय फोर क्या लिख पाता, बिल्कुल क्योंकि यहाँ अगर मैं ट्रायंगल बना लूँ, ठीक है तो ये अगर थीटा है मेरा यहाँ ये अल्फा प्लस बीटा ले लेता, सपोज सपोज ठीक है टेंशन मत आप फिर उसके तरफ ध्यान दो, ठीक है तो ये कॉस तो एडजेसेंट या अपोजिट सॉरी एडजेसेंट है हाइपोटेन्यूज तो ये थ्री, ठीक है ये समझता है ना आपको पाइथागोरस थ्योरम आता होगा मेरे हिसाब से, ठीक है अब यहाँ साइन अल्फा माइनस बीटा को क्या कर सकते हैं यहाँ लिख सकते फाइव बाय थर्टी, ठीक है चलिए ठीक है बहुत ही अच्छी बात हो गई फाइव अपॉन थर्टी, ये भी बड़ी अच्छी बात है बच्चा, तो अब क्या यहाँ मैं अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू जो छोड़ो एक मिनट एक मिनट एक मिनट साइन इनवर्स देना रह गया था, ठीक है तो यहाँ देखिए अब यहाँ अगर टैन इनवर्स लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा यार थर्टीन फाइव ट्वेल्व बिल्कुल बच्चा ट्वेल्व अपॉन थर्टीन, ठीक है क्योंकि यहाँ अगर आप ट्रायंगल बनाओगे तो इन दिस केस आपको मिलेगा अच्छे से ट्रायंगल बना दोगे, देखो थर्टीन और फाइव ये अल्फा माइनस बीटा है, ठीक है तो ये ट्वेल्व पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस ट्रिपलेट आएगा ना, ठीक है तो हो सकता है ना, तो यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ मुझे आपको दिख रहा है कि यहाँ यहाँ मुझे है ना टेन अल्फा प्लस बीटा और टेन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू मिल जाए, देखो टेन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू थ्री बाय फोर एंड टेन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू ट्वेल्व बाय थर्टीन ये वैल्यू मुझे मिल गई, देखो मिल रही है ना मिल रही या नहीं मिल रही, चलो देखो ध्यान से जरा ध्यान से, ठीक है ध्यान से देखना बच्चा दिख रहा है ना, चलिए फिर कोई दिक्कत नहीं है, अब हम बता देंगे क्वेश्चन को, देखो टेन अल्फा प्लस बीटा ठीक है माइनस टेन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू टेन टू अल्फा सॉरी सॉरी प्लस यहाँ प्लस, ठीक है प्लस ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, देखो ठीक है तो ये हो गया आपका लॉजिक, तो यहाँ पे इसे सॉल्व कर रहा हूँ मैं, देखो इसे सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक है इसका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो टेन अल्फा प्लस बीटा टेन ए टेन बी ठीक है इंटू टेन ए प्लस टेन बी ठीक है अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन, अब सारी वैल्यूज मिल गए बच्चा, ठीक है अब कर सकते सॉल्व, ठीक है एक बार आगे जाने से पहले जरूर वैल्यू चेक करना, थ्री बाय फोर थ्री बाय फोर यहाँ ट्वेल्व बाय फाइव है ना अपोजिट फाइव बाय ट्वेल्व है ना, अरे क्या कर दिया है मैंने फाइव बाय थर्टीन, ठीक है तो यहाँ फाइव बाय ट्वेल्व चाहिए था मैंने ट्वेल्व बाय फाइव लिख दिया ना, गलती हो गई यहाँ देखो यहाँ जुगाड़ करना है गलती हो गई ना दोनों में, ध्यान से देखना यहाँ क्या है अपोजिट क्या है फाइव और एडजस्टमेंट क्या है ट्वेल्व, ठीक है तो यहाँ भी फाइव है ट्वेल्व, ठीक है थोड़ा संभाल लीजिएगा बच्चा एक मिनट, फाइव है ट्वेल्व ठीक है अब सॉल्व कर सकते हैं, अब यहाँ लगा के आप सॉल्व करोगे देखो थ्री बाय फोर प्लस फाइव बाय ट्वेल्व अपॉन वन माइनस थ्री बाय फोर इंटू फाइव बाय ट्वेल्व, ठीक है
यहाँ हो जाएगा बच्चा 56/48, ठीक है, अपॉन यहाँ देखिए 48-15 33, 33/48, ठीक है, यहाँ देखिए 48 कैंसिल, 56/33, तो कहाँ आया 56/33 ऑप्शन डी, ठीक है हो गया। चलिए नोट कीजिए 1 2 3 हो गया, ठीक है, आपको क्लियर तो दिख रहा है ना, मुझे बार बार लग रहा है कि कुछ कट वट तो नहीं हो, ठीक है चलिए अब अगला देखिए। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है स्पेशली, ठीक है, बहुत आसान है। देखो यहाँ आपको कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाना है, उसमें का एक पार्ट दिया गया है, देखो ये आपके लिए होमवर्क है, मेरी तरफ से होमवर्क कीजिए और कमेंट कीजिए, ऑप्शन कमेंट कीजिए, ठीक है। अब आज से रेगुलर लेक्चर आएगा बच्चा, ठीक है, कल ही बोल दिया था मैंने, लेकिन कल भी थोड़ा काम आ गया था, ठीक है, आगे नहीं आएगा क्या फिर सर? बिल्कुल नहीं आएगा, अब क्यों आएगा, अब हो गया सब, ठीक है। कॉस क्यूब थीटा -3 cos थीटा, ठीक है। अब ये आज तो मैं 3-4 इसकी डीपीपीज वगैरह भी अपलोड कर दूंगा, और ये लेक्चर जो मैंने अभी लिए 30-40 क्वेश्चन है ये भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ये आपको फॉर्मूला लगाना है 4 cos θ - 3 sin θ, और इसका आंसर आपको निकालना है, 20 डालिए सिर्फ, ठीक है, यहाँ 20 60 आ जाएगा, मतलब यहाँ हो गया cos 60 = 4 cos³ 20, ठीक है, -3 cos 20, तो ये आप आराम से कर लोगे मेरे हिसाब से, इसमें आपको कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। चलिए एक बार करके देखिए, और ये cos 3 cos 20 वैसे रहेगा, इसका आंसर निकालना है इधर आके -cos 60 1/2 मेरे हिसाब से, ये इधर प्लस पॉजिटिव, ये ऑप्शन है करेक्ट, ठीक है, एक बार जरा वेरीफाई कर लेना और मुझे बताना, ठीक है। चलिए तो यहाँ 13 क्वेश्चन थे 2023 में आए थे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री 2 के। देखो बच्चा सीटी में आप 12th में इतना आते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं, 12th का क्वेश्चन हर एक बच्चा अटेम्प्ट करता है, ठीक है, 80% बच्चे 12th का क्वेश्चन मार के आते हैं, लेकिन 20% या उसमें से भी 10% जो होते हैं वही 11th के करेक्ट मार पाते, तो 11th अच्छा करो, ठीक है। चलिए 11th के चैप्टर तो मैं साथ में लूंगा साइमल्टेनियसली विद 12th, अब अगला चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक होगा, और उसके पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साथ में लेंगे साइमल्टेनियसली। मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, जय हिंद जय भारत।